कार्यकाल में हजारों जरूरतमंदों को अनाज किट का वितरण करने वाले शहर के अधिवक्ता स्वर्गीय सुदीप जायसवाल इनके जन्मदिन के अवसर पर 150 अधिवक्ताओं को अनाज किट का वितरण करके बड़ी ही सादगी के साथ शहर के अधिवक्ताओं ने जन्मदिन मनाया और उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया गया। यूं तो शहर में तकरीबन 2000 से ज्यादा अधिवक्ता किसी न किसी काम से जाने पहचाने जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है शहर के एडवोकेट सुदीप जायसवाल का। कोरोना महामारी के चलते शहर के हजारों लोगों पर भुखमरी की नौबत आ पड़ी थी। ऐसे में अधिवक्ता सुदीप जायसवाल इन्होंने अपने खुद के पैसों से हजारों अनाज किट तैयार करके शहर के गरीब एवं जरूरतमंदों को मदद की थी। इतना ही नहीं तो मिलनसार वाले इस शख्स ने कोरोना कार्यकाल में कई मरीजों के परिवार को भी धन मन से पूरा सहयोग किया था। कई मरीजों को तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल में भी समय पर पहुंचाया था, जिससे कई मरीजों की जान भी बची। अधिवक्ता सुदीप जायसवाल निरंतर इस समाज की निस्वार्थ भावना से मदद करते थे। ऐसे अच्छे व्यक्तित्व के धनी अधिवक्ता सुदीप जायसवाल इनका निधन हुआ, जिससे शहर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जिन्हें मदद की थी ऐसे हजारों परिवारों की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भले ही आज अधिवक्ता सुदीप जायसवाल हमारे बीच तन से ना हो, लेकिन मन से आज भी वो हर एक के दिल में बसे हुए है। आज अधिवक्ता सुदीप जायसवाल इनका जन्मदिन है। उनकी याद में उनका जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाते हुए उनकी याद में शहर के अधिवक्ता डबली शशांक चौबे और अनिल गुवानी इन्होंने 150 वकीलों को अनाज किट का वितरण किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें याद किया। कोरोना के कार्यकाल में जिन्होंने काफी लोगों को मदद की, जरूरतमंदों को अनाज की किट बांटे, ऐसी शहर के एक शख्सियत अधिवक्ता सुदीप जायसवाल भले आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके कार्यों की सराहना और उनके कार्यों की खुशबू हमेशा इस संसार में महकती रहेंगी। इसी के उपलक्ष्य में आज उनके जन्मदिन के अवसर पर 150 वकीलों को अनाज वितरण किट का वितरण किया जाना है। इस समय में हमारे साथ में तमाम अधिवक्ता शहर के मौजूद है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि किस प्रकार से जन्मदिन सुदीप जायसवाल साहब का मना रहे हो? सुदीप जायसवाल हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष पद के कार्यकाल में उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। वो एक सभी वकीलों को रात बेरात दौड़ने वाले, उनकी मदद करने वाले वकील करके जाने जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार का वो फेस थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार का वो चेहरा थे और एक बहुत ही अच्छे दोस्त और सबकी मदद करने वाले ऐसी वो शख्सियत थे। न केवल अच्छे दोस्त थे बल्कि एक बहुत अच्छे वकील थे, क्रिमिनल के एक अच्छे लॉयर थे। और उन्होंने हमेशा फर्स्ट जब वेव आई थी कोविड की, तो वो फर्स्ट वेव में भी उन्होंने बहुत से ज़रूरतमंद वकीलों को अपने खर्चे से मदद किया था, लोगों की मदद किया था, उनको किट्स बांटे थे, उनको ज़रूरत का सामान बांटा था। हम चाहते थे कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक ऐसा कार्यक्रम हम ले जो उनकी याद में एक यादगार कार्यक्रम रहे और उनकी जो एक शख्सियत थी वो शख्सियत के हिसाब से वो कार्यक्रम हो। इसलिए मेरे मित्र हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शशांक चौबे, कोषाध्यक्ष अनिल गुल्हा ने इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अपन ने भी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम लेने को होना, तो उस हिसाब से हमने ये कार्यक्रम लिया है। और अच्छे कार्य की खुशबू हमेशा आती है। इस समय में अधिवक्ता शशांक चौबे जी हमारे साथ में है, जो कि DBA के उपाध्यक्ष है। सर, क्या कहना चाहोगे? सुदीप जायसवाल मेरे लिए एक भाई के जैसे थे, मेरे बड़े भाई थे और कई सालों के हमारे संबंध थे और हर मुसीबत में वकीलों के साथ खड़े रहते थे स्वर्गीय सुदीप जायसवाल। ये पिछले साल मैंने और उन्होंने मिलकर, और अनिल भी मेरे साथ था, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को किट, ये ग्रॉसरी किट वकीलों को बांटे थे और घर जाके बांटे थे। और इस बार वो हमारे बीच में नहीं है, बड़ा दुखद ये है क्योंकि कोरोना में उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग उनके आज जन्मदिन के उपलक्ष में उनके स्मृति में हम लोग ये सब किट्स बांट रहे हैं। मैं, अनिल हूँ और उदय है, हम लोग सब मिलके ये काम कार्य कर रहे हैं। वकीलों की जो मदद हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं। सर, तकरीबन कितने लोगों को किट का, अनाज किट का वितरण किया जा रहा है, कौन से लोग, कौन से क्षेत्र? एक्चुअली आज हम 150 वकीलों को किट्स दे रहे हैं। सुदीप जायसवाल ये ऐसा आदमी था कि जो हमेशा वकीलों की मदद के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहता था।
और लास्ट ईयर सबसे पहले जो अनाज वितरण का जो कार्यक्रम है वो उन्हीं ने शुरू किया था और उनके बाद हमने चालू किया। तो वो आदमी ऐसा था कि वकीलों के लिए रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे जब बोले तब जूनियर के लिए जरूरत में वकीलों के खड़ा रहता था और उसकी वो याद कम ना पड़े, इसलिए हम ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं और यही प्रोग्राम के तहत हमें चाह रहे हैं कि आगे यानी वो ये एक स्मॉल ट्रिब्यूट है सुदीप जसवाल सर को, क्योंकि वो हमेशा वकीलों के लिए दौड़ते रहते थे। खुद के लिए तो हर कोई जीता है मगर दूसरे के लिए जो जीता है उन्हीं का नाम चलता है और उन्हीं के कार्यों की खुशबू महकती रहती है और उन्हीं में से एक है शहर के स्वर्गीय अधिवक्ता सुदीप जायसवाल, जिनको जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद बीसीएन परिवार भी देती है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।